इंग्लिश जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जो मेरे स्कूल डेज के टाइम से मेरे लिए एक प्रॉब्लम था जिससे मैं भागता चल रहा था, वो अब मुझे फेस करना था सीजीएल में, और आपके थ्रू सर वो चीज़ अब मुझे समझ में आ रही थी, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो रहे थे, तो अब मुझे वो इंग्लिश का डर खत्म हो रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मैं आईआईटी के प्रिपरेशन में था तो मेरे लिए मैथ उतना चैलेंजिंग नहीं था, वहाँ मेरे लिए उतना बड़ा मैथ चैलेंजिंग नहीं था और मेरे को मैथ्स उतना डर भी नहीं लगता था, मगर इंग्लिश मेरे लिए शुरू से चैलेंजिंग रहा है। बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, मेरे लिए ये प्रॉब्लम रहा है। तो उस समय जब आपकी क्लासेस की ऐसे स्टार्ट किया, जो आप शुरू में सर दो चार पांच लेक्चर्स में सर जो शुरू के फ्रेजेस क्लॉजेस बताते हैं, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब इन सब चीज को पहचानना समझाते हैं, वो सर वो चीज देख के लगा कि हाँ कोई टीचर है जो डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन पे नहीं सीधे आता है, वो पहले आपके बेस को अच्छा करना चाहता है, वो आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है, मिट्टी भुरभुरी करना, मिट्टी हाँ भुरभुरी करना चाहता है। तो वो लगा कि नहीं ये ऐसा टीचर है जो जिससे मैं अगर इंग्लिश सीखा तो मेरे लिए बहुत लंबे टाइम तक ये काम भी आएगा, प्रिपरेशन तो होगी ही अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब चीजें थी जो मुझे और बूस्ट कर रही थी।